नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने ट्रेन में तो सफ़र किया ही होगा तो आप जानते होंगे कि हाँ, इस ट्रेन को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। आप लोगों ने देखा होगा कि आप प्लेटफॉर्म नंबर पर खड़े हैं, आपको पता नहीं चल पाता है कि ट्रेन कहाँ से आ रही है, कहाँ पर है और किस ट्रेन में आपको बैठना है, ये भी नहीं पता होता कभी कभी। तो इसीलिए मैं एक एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसे आप इंस्टॉल करके किसी भी ट्रेन को कभी भी पता कर सकते हैं। और इसकी ख़ास बात एक ये है कि आप जो है इस वीडियो को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से ही चला सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले आप अपने प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च कीजिए, मैं बताने जा रहा हूँ इस एप्लीकेशन का नाम। तो आप टाइप कीजिए वेयर इज माई ट्रेन। जब सर्च करेंगे तो आपके नंबर वन पर ही एप्लीकेशन आ जाएगी। ये देखिए, वेयर इज़ माई ट्रेन, इंडियन रेलवे एंड NR स्टेटस। ठीक है दोस्तों, इसकी रेटिंग दिखा दूँ आपको कितनी ज़्यादा है। इसकी रेटिंग 4.7 है। बहुत लोगों ने डाउनलोड किया है, 10 मिलियन लोगों ने ही डाउनलोड किया। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, आप लोग जो है इसे इंस्टॉल कर लीजिए। मैंने पहले से इंस्टॉल रखा है तो मैं इसे सिंपली ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपको इसके बारे में मैं बता दूँ, आप इसे जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से चला सकते हैं। इसमें आप अपनी लैंग्वेज भी सेट कर सकते हैं और इसे सेटिंग भी और भी बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ स्टेशन से, अगर आप जहाँ पर स्टेशन पर खड़े हैं वहाँ स्टेशन नेम डालिए, उसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ का नाम डालिए। जैसे मुझे लखनऊ जाना है तो मैं लखनऊ के लिए एंटर कर दिया। तो यहाँ जहाँ गाड़ी खोजी लिखा है यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे मान लिया हमने कि हमें कृषक एक्सप्रेस पकड़नी है, तो ये कहाँ पर है इस समय, ये सब बताएगा इसमें। दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर सर्च कर रहा है, ये सर्च करने के बाद आपको दिखा देगा। तो ये अभी दोस्तों यहाँ लखनऊ जंक्शन पूर्वोत्तर रेलवे पर खड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, और ये भी दिखा रहा है इसमें प्लेटफॉर्म नंबर एक पर खड़ी है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जान नहीं पाते कि हाँ हमारी ट्रेन कहाँ पर आने वाली है, किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है, ये भी हमें नहीं पता होता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका प्लेटफॉर्म नंबर भी दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ से जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ इंटरनेट लिखा है, यहाँ इंटरनेट के ज़रिए भी आप चला सकते हैं। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको लिखा है सेल टावर, लिखा है ट्रेन के अंदर। आप ट्रेन के अंदर होंगे तभी आपका ये काम करेगा। और GPS ट्रेन के अंदर, आप जब ट्रेन के अंदर होंगे तो GPS ऑन कर लीजिए या सेल टावर ऑन कर लीजिए, आपका ऑफलाइन भी चलेगा बिना इंटरनेट की भी। इस प्रकार दोनों तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आप बैक आ जाइए। इसमें आपका ये भी बता देता है कि ट्रेन हाँ डे के हिसाब से भी चलती है कभी कभी। ठीक है, तो यहाँ पर आप दिखा रहा है कि रोज़ चलता है, मतलब ये ट्रेन जो है आपकी रोज़ चलती है। और यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका किराया भी कितना, यहाँ 30 रुपये दिखा रहा है, जर्नल का दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद, यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो आपको दिखा देगा कि हाँ आप किस सीट पर बैठना रहते हैं, किस मतलब उसका किराया क्या है, किस क्लास का। जैसे स्लीपर है और 3A AC कंडीशन वाला दिया गया, ACTA वाला दिया गया, प्रथम क्लास CC वाला दिया गया। इस प्रकार आप जो पता कर सकते हैं। जैसे स्लीपर का है, स्लीपर का आप देखिए कृषक एक्सप्रेस का 140 रुपये दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आप पता भी कर सकते हैं कि आपका कहाँ से कहाँ तक ट्रेन जाने वाली है, ये भी बता देगा। और ये भी बता देगा कि वहाँ तक कितना किराया पड़ेगा। ठीक है दोस्तों,
अब यहाँ नीचे देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है आप स्टेशन कोड और स्टेशन नाम भी से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे हम मान लें यहाँ से हम सर्च कर लें, स्टेशन का नाम डालते हैं हम बाराबंकी जंक्शन, तो यहाँ पर जो है आपको दिखा देगा कि कौन सी गाड़ी कितने वक्त में आने वाली है, कहाँ कब पहुँचने वाली है। यहाँ पर ये यह दिखा देगा, जैसे आपको दिखा रहा है बरौनी बरौनी एक्सप्रेस दिखा रहा है 4:30 पर, यहाँ पर बाराबंकी आएगी और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आएगी, ये भी दिखा रहा है। देख लीजिए दोस्तों, देखा कितना बढ़िया एप्लीकेशन है, इसे डाउनलोड कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ, इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, सत श्री अकाल।